जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ वो जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आरटीओ के संबंध में दोस्तों एक नई जानकारी आई है। तो इसमें दोस्तों नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए निश्चित टाइम स्लॉट के दिन ही आपको विजिट करना होगा, नहीं तो आपका टाइम स्लॉट को कैंसिल कर दिया जाएगा। आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पर फोकस करने वाला हूँ। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग लाइक कर दें इस वीडियो को, बाद में आप लोग लाइक करना नहीं भूल जाते हैं, तो आपके एक लाइक से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियोस बनाने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए। तो आप लोग लाइक करें, आपका लाइक करने में कुछ भी बिल्कुल भी टाइम नहीं जाता है। लाइक का बटन जोर से दबाएँ और साथ ही चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि ऐसे मोटिव वीडियोज़ ट्रांसपोर्ट जगत की आपसे मिस ना हो। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आइए लौटते हैं अपने टॉपिक पर। तो तत्काल व्यवस्था से जो लागू की गई है, ये क्यों लागू की गई ये भी आपको बताऊंगा, और ये व्यवस्था कौन सी है भी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों जिन लोग का अपॉइंटमेंट जिस दिन होता है आपको उस अब आपको उसी दिन विजिट करना होगा। तो आप बोलेंगे इसमें नया क्या है? देखिए पहले के टाइम पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले के टाइम पर दोस्तों आज के लगभग 3 से 4 महीने के पहले की बात कर लो तो हूँ, मार्च तक तो यहाँ पर व्यवस्था जो थी वो ये थी कि अगर आपको कोई टाइम स्लॉट बुक करते हैं किसी कारणवश आप उस डेट पर नहीं विजिट कर पाते हैं डीटीओ आरटीओ ऑफिसेज में, तो आप एक दिन बाद भी विजिट करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। यानी कि एक रिजर्व डे आपको मिलता था, तो ये जो वन डे का रिजर्वेशन पीरियड मिलता था वो कैंसिल कर दिया गया है। अब आपको निश्चित डेट और टाइम पर ही आरटीओ में विजिट करना होगा, जिस दिन अपॉइंटमेंट है उसी दिन जाएंगे तभी आपका कामकाज किया जाएगा। और अगर आप उस दिन विजिट करते हैं तो आपको दोस्तों डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी करवाना पड़ेगा, और नेक्स्ट डे आप विजिट करके बायोमेट्रिक को कंप्लीट कर सकते हैं और अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा पाएंगे। तो अब दोस्तों ये नियम लागू हो चुका है और ये व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है, यानी कि मंथ ऑफ सितंबर में यह व्यवस्था लागू हो चुकी है। आने वाले अब जितने भी टाइम आएंगे, जितने भी नए ड्राइविंग लाइसेंस आप आवेदन करेंगे, स्लॉट बुकिंग करेंगे, उसमें यही व्यवस्था आपको देखने को मिलने वाली है। तो ये व्यवस्थाएं इंडिया में लागू हो चुकी हैं। आप अगर आप रिजर्वेशन डे हटा दिया गया है, यानी कि आपको निश्चित डे पर जब विजिट करना होगा, बहुत सारे लोग गलती क्या करते थे कि स्लॉट बुक कर लेते हैं, तो स्लॉट तो आपने कोटा बुक कर दिया और आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए उस दिन पर जाते नहीं थे, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ड्राइविंग लाइसेंस की बनवाने की बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, तो वो लोग अपना स्लॉट ही नहीं बुक कर पाते, तो आरटीओ में विजिट करते हैं और जब वहाँ पर विजिट करते हैं तो ये पता चलता है कि जिसका स्लॉट है टाइम है वो तो आया ही नहीं है। तो ऐसे परिस्थिति को दूर करने के लिए ही भारत सरकार ने दोस्तों ऐसा नियम अपनाया है। माननीय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, यानी कि भारतीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने यह नियम लागू कर दिया गया है मंथ ऑफ सितंबर से, कि अब रिजर्व डे कैंसिल हो चुका है, निश्चित टाइम और डेट पर ही आपको विजिट करके अपना कामकाज करवाना है, तभी आप नेक्स्ट डे के लिए बायोमेट्रिक के लिए बुलाए जाएंगे। तो जो लोग इस निश्चित डेट और टाइम पर नहीं पहुंचेंगे उनका क्या होगा? उनका स्लॉट कैंसिल कर दिया जाएगा। ऐसे लोग फीस तो नहीं लगेगी दोबारा, लेकिन आपको फिर से बुकिंग करनी पड़ेगी, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, तब आप विजिट कर पाएंगे। आप अब उसी डेट और टाइम पर नहीं जाते हैं तो आपका स्लॉट कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ऐसे लोग पुनः नए सिरे से न्यू अपॉइंटमेंट लेंगे, तब उनका कामकाज किया जाएगा। तो ये थी जानकारी ड्राइविंग लाइसेंस के स्लॉट बुकिंग के ऊपर। तो जानकारी कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। थोड़े से भी जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो से अवेयर हुए हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। लाइक करके आप अपनी सहमति जरूर दें, इस वीडियो को शेयर करिएगा फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप इंस्टाग्राम जो भी आप चलाते हैं सोशल मीडिया हैंडल्स, ताकि सब लोग को ऐसी जानकारियाँ समय पर मिलती रहें। उसके अलावा दोस्तों मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि इस जानकारी में अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई एडवाइस हो, कोई सजेशन हो पर्सनली भी, तो आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर हमें दे सकते हैं। इंस्टाग्राम का हैंडल है @tinkeralokji। साथ ही साथ दोस्तों आप हमसे ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं, ट्विटर पर स्वागत करते हैं आपका, वहां पर आपकी समस्याओं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुंचाते रहते हैं, तो वहां पर भी जुड़कर आप हमें सपोर्ट दे सकते हैं। @tinkeralokji ट्विटर पर भी हैंडल है, इंस्टाग्राम पर भी हैंडल है। साथ ही साथ आप फेसबुक पर भी विजिट करके हमको सजेशन दे सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया जहाँ पर आपको इजीएस्ट लगे उस सोशल मीडिया हैंडल पर आप विजिट जरूर करें और फॉलो कर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक आपने वीडियो देखा, इसलिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मिलता हूँ आपसे जल्द ही एक और नए इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियो के साथ में। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त, जहाँ भी रहें सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपना जरूर ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलता हूँ नए वीडियो में टॉपिक के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।